Hi guys, this is Amit Giri. Hello guys, this is Manish Singh. Hello guys, this is Abhishek Singh. And welcome back to our channel, Shilpa. तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे. तो गाइस आज जो हम वीडियो लेके आए हैं उस वीडियो का नाम है A Day as a Zalmi Fan PSL 5 by Yukano. पेशावर Zalmi, ठीक है. तो जो Yukano है वो पेशावर की टीम है, उसके बहुत बड़े फैन है. बहुत बड़े फैन है. तो Yukano ने तो बोला था ना कि Yukano नहीं है वो जूने जो. तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड बातें करेंगे. हियर वी गो. 1 2 3 तेरे को इसका बात भी दूंगा जवाब. पता नहीं मेरे को से कहा है. हैं अरे ऐसे सभी फैन ओके पेशावर फॉर पेशावर फॉर लेकर ऐसा मैं जा रहा हूँ इस तो पेशावर क्योंकि पीएसएल फीवर क्रिकेट फीवर मेरे सर पे चढ़ गई है और मैं घर बैठ के अकेले टीवी के सामने मैचेस नहीं देखना चाह रहा. मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ फैंस के साथ बैठ के मैच देखूँ और मैच का जो रिएक्शन होता है, जब आउट होने पे बंदा चीखता है, जब छक्के मारने पे सेलिब्रेट करता है, वो मैं आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहा हूँ. सो राइट नाउ आई एम ऑन माई वे टू पेशावर क्योंकि ओल्ड आर्मी स्टेडियम में पेशावर की सबसे बड़ी पीएसएल की स्क्रीनिंग हो रही है, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर Zalmi. क्योंकि यार दुबई में जब PSL 4 हो रहा था ना और मैं उधर ब्लॉगिंग कर रहा था, तो हाँ उधर VIP ट्रीटमेंट भी थी, प्लेयर्स भी थे, सेलिब्रिटीज़ भी थे, खाना भी था, मतलब बहुत अच्छा था. बट आप लोग नहीं थे उधर, फैंस नहीं थे. एंड फाइनली PSL इज़ बैक होम और मैं चाह रहा हूँ मैं आप लोग के साथ ये मैच स्टैंड्स में इन्जॉय करूँ, स्क्रीनिंग्स में इन्जॉय करूँ और ये सारा ब्लॉग आप लोग डेडिकेट हो. सो सी यू गाइस इन पेशावर. वर्क इट आउट. किरण भाई गडू भाई गडू भाई अरे Zalmi Zalmi आते साथ ही चार विकेट गिर गई हैं. हम बैड लक, बैड लक है. होसा नहीं आ रहा है, होसा नहीं आ रहा है. गेम तो बाकी है अभी, जरूरी है अभी तो. अच्छा ये वो वर्क कर देंगे. पीछे देख करो क्राउड वगैरह फुल आया हुआ है. बिगेस्ट स्क्रीनिंग पेशावर में हो रही है. तबाही माहौल है. जैसे फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि जी कोई आम मैच के लिए नहीं, कोई ना फाइनल है. हाँ ये फाइनल भी नहीं है वैसे. और आम सिंपल लीग गेम के लिए इतने लोग आए, इट्स अमेजिंग मैन, ब्रिलियंट माहौल है. शर्ट देखी आपने? शर्ट वाला गार्ड है. मैं ये स्पॉन्सर किया. अरे व्लॉगर साहब ऑफ करा. ये होता है बेटा पेशावर में. अभी ये फाइनल भी नहीं है और फिर भी लोग जीत रहे हैं. आज हम हार रहे हैं और ये सेलिब्रेशन हो रहा है. यार ये हारने के लिए जीतने की हम हारने को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं ना बॉयज. बॉयज बात सुनो, कल मैच हम हार गए हैं, कोई मसला नहीं हुआ. लेकिन अभी पेशावर में भी क्रिकेट स्टेडियम भी नहीं बना, लेकिन आप लोगों ने जोश देखा है पेशावर Zalmi फैंस का. और अगले साल जब हमारा स्टेडियम बनेगा उसके बाद क्या हालात होंगे. सो राइट नाउ इन इस्लामिया कॉलेज गोना इंटरेक्ट विद द टीम जो यहाँ की ऑफिशियल टीम है इस्लामिया कॉलेज की, और उनसे बात करते हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप हुआ है ड्यू टू आर ऑफिशियल पेशावर Zalmi टीम. लेट्स गो. हम इस्लामिया कॉलेज में खेलते हैं. मैं खुद लेफ्ट हैंड बैट्समैन हूं और लेग ब्रेक बॉलिंग करता हूं और पेशावर Zalmi के सपोर्टर्स हैं. जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं तो यहां से पीएसएल के में
جو تین کھلاڑی ہیں عثمان شینواری ہے، شہنشاہ آفریدی ہے، ایون رضوان ہے جو وکٹ کیپر بیٹس مین ہے، اس کے ساتھ ہی افغانستان کے کپتان راشد خان ہے، اسی گراؤنڈ میں اس گراؤنڈ سے کھیل کے گئے اور آئے. آگے جو فیف لائن میں اور بھی پلیئرز ہیں جو کہ اگلے سال پی ایس ایل کے لیے انشاءاللہ وہ کھیلیں گے کسی نہ کسی فرنچائز کے ساتھ. اور علی بھائی یہ بھی ہمارا اسٹیڈیم ریڈی نہیں ہے تو پھر بھی ہم اتنے پلیئر جنریٹ کریں؟ بالکل اسٹیڈیم ریڈی ہوگا، ریڈی ہوگا تو پھر تو پھر دماغ مست لاہور کلندر پیخور زلمی لاہور کڈنگ. ہم بوائز کل جا رہے ہیں پنڈی لاہور ورسز پشاور زلمی کا میچ دیکھنے. خاص پشاور زلمی کی بسیز ہیں، فینس سارے مل کے جا رہے ہیں. میں ساری ڈیٹیلس شیئر کروں گا. 2 بجے بسیز نکلیں گی اور اس میں وی آئی پی ٹکٹ آپ کو ملے گی، بس ٹکٹ ملے گی، ریٹرن ٹکٹ، پشاور زلمی کٹ آپ کو ملے گی، کھانا ملے گا اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایکسپیرئنس فینس کے ساتھ. خماریان پختنکور بخانو ورکا جان. خبر دا غنوم دل ډیر دي چې روز دې متا ته به خلکو چې شیر جو سکیر دې تا کپ مونږ یو ته داس خاور چې ګډو به به شپ او کسې نی په وچ نو نه شتا کپ شپ پلس 6 یا 4 سیرا کې به دې اور وها په بولی غا دې بیا به نشو لاګا مزه دې با کو نو سفر راځو دا بار بم پنج پوس کو او شه یار سب سے بڑا دکھ ہے ارے ہاں. یوزلی آپ لوگ جو ہے نا گھر پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہو، ٹی وی کے سامنے میچ دیکھ رہے ہوتے ہو، یا پھر اکیلے گاڑی میں جو ہے نا ٹریول کر کے میچ دیکھنے جاتے ہو، لیکن جب پشاور زلمی میچ دیکھنے جاتا ہے تو پھر یہ سین ہوتا ہے. پشاور زلمی ورسز لاہور کلندر 50-50 چانسز ہے. ابھی ان لوگوں نے 1 آور دیا کہ میچ اسٹارٹ ہوگا، لیکن ابھی ہم اسٹیڈیم میں پہنچے تو ابھی پتہ چلے گا کہ میچ ہونا ہے کہ نہیں، تو اسٹے ٹیون. ابھی گراؤنڈ تو پہنچ گئے ہیں بٹ ابھی یہ نہیں پتا کہ میچ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. فاروق جو کہ ٹیم کے ساتھ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 9:30 تک وہ نکل آئیں، لیکن ابھی تک وہ نکلے نہیں ہیں. سرینا ہوٹل سے ہم پنڈی میں ہیں، وہاں کا راستہ یہاں تک 30 منٹس کا ہے. رائٹ ناؤ اٹس 9 o'clock، تو اگر 10 بجے تک میچ جاتا ہے تو میچ نہیں ہوگا. آؤ یار آپ لوگ اس میں لاتے ہیں ماجد بھائی اور نوشروان. لاسٹ ٹائم ہم وی آئی پی بوتھ میں تھے، اس بار ہم جیل کے تھرو بلاگنگ کریں گے. واٹس اپ بوائز، واٹس اپ، واٹس اپ، کیا حال ہے یار؟ ویر زارا ہو رہا ہے یہاں پہ. کیا میچ اپڈیٹ ہے؟ ہو رہا ہے میچ کہ نہیں ہو رہا؟ 30 منٹس. ماجد بھائی واٹ سے یو؟ ماجد بھائی ٹی سی ایل کی طرف وہ برانڈنگ دکھائیں پلیز. انڈیا فائنل کے تو چھوڑ دو، نارمل میچز ہی
आईपीएल में अगर रद्द हो जाते हैं मतलब कैंसिल हो जाते हैं तो कैसी फीलिंग आती है? लेकिन मैच हुआ हाँ, और जल्दी जीते भी भगवान भी देखा था कि फैंस दूर दूर से आए मैच देख रहे थे। अरे नहीं, लेकिन इस व्लॉग को देख के मैच वाली फीलिंग आ गई कि हम स्टेडियम में बैठ के मैच देखते हैं तो कैसा फील आता है वो वाला फील मिलाएगा। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आईपीएल स्टार्ट होने कितना मजा आएगा। आईपीएल स्टार्ट होने का मजा ही होगा, मतलब मैं के बीच में जो क्रेज था क्रिकेट के लिए पाकिस्तान में वो कम हो गया था बट PSL के बाद शायद फेज वापस रीबिल्ड। PSL इस साल पाकिस्तान में पूरी तरह से पाकिस्तान में हो रहा है तो फिर ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहले वो UAE और पाकिस्तान से मिक्स करते थे और इस बार सिर्फ पाकिस्तान में अब बहुत पूरी तरीके से पाकिस्तान में हो रहा है और जैसा कि हम देख रहे हैं काफी सारे नए स्टेडियम भी बन रहे हैं तो पूरी तरह क्रिकेट दिल पे छा। हाँ। वो एक पाकिस्तान का क्रिकेट ग्रुप है YouTube नहीं सॉरी फेसबुक पे, उसपे मैं ज्वाइन हूँ तो उसपे एक बंदे ने मैच डाला था, पेशावर का ही मैच था, उसमें आईपीएल वाला जैसा क्राउड होता है ना वैसा वाला क्रेज अब वहाँ पे भी बनने लग गया, मतलब क्राउड फुल होने लग गया है, बराबर होने लग गया है, सब कुछ बड़े बड़े लोग मतलब कि ज्यादा लोग आने लग गए क्योंकि पहले UAE में होता था वहाँ पे लोग ट्रैवलिंग का खर्चा वो सब बढ़ जाता था। नॉर्मल इंसान तो जा नहीं सकता, ज्यादा नॉर्मल इंसान है 500-1000 रुपए खर्च कर सकता है एक स्टेडियम पे जाने के लिए, अब कौन जाएगा 1000 रुपए टिकट खर्च करके? नहीं फिर भी फैंस जाते थे, जाते थे पर जो लोग अफोर्ड कर सकते थे पर इतना क्राउड नहीं हो पाता था, लेकिन अब तो बहुत ही ज्यादा क्राउड बन रहा है और अब इससे पाकिस्तान क्रिकेट और भी ज्यादा इंप्रूव करेगी और सिक्योरिटीज और उन पे ज्यादा खर्चे करेगी और बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा इसके वजह से। और अभी ओवरसीज प्लेयर्स भी बहुत आए हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए, बस कुछ प्लेयर्स को छोड़ के बाकी सारे जो भी वो खेलते हैं वो सब तो आए ही हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इस बार PSL का। और पेशावर जर्मी का एक और सॉन्ग है जो उनका रैप सॉन्ग है उसके ऊपर अमित और दीप ने रिएक्शन किया है, वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, आप वो भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेल गाइस, बाय।